देश में आम बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वहीं इस बजट में सरकार आयात शुल्क को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है, लेकिन सरकार आयात शुल्क को 5 से 10% तक बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। सरकार के पास लगभग 50 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर वो आयात शुल्क बढ़ा सकती है। वहीं आयात शुल्क बढ़ने से स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, अप्लायंसेस और दूसरी चीजें महंगी हो सकती हैं। सूत्रों की माने तो बढ़ते आयात शुल्क को बढ़ाने का ये कदम पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से इंस्पायर है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और समर्थन करना है। आपको बता दें कि सरकार के इस कदम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए से 21,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व हासिल करने की उम्मीद है। वहीं आयात बढ़ने से फर्नीचर और इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, जो संभावित रूप से स्वीडिश फर्नीचर कंपनी आईकिया और टेस्ला को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ऑफिशियल इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि फर्नीचर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कितना आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा, लेकिन टेस्ला और आईकिया इससे पहले भी प्रोडक्ट्स पर लगने वाले ड्यूटी से परेशान हैं। आपको बता दें कि टेस्ला भारत में कार लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, जो कि 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। सूत्रों की माने तो फिलहाल आयात शुल्क को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इस पर फैसला लिया जा सकता है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।